सुभान अल्लाह। ये देखो राबिया, अब इनको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे जी। कल हमने जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें काफ़ी सारे हमें ऐसे कमेंट्स देखने को मिले कि आप लोगों ने अपना हक अदा नहीं किया। तो रूटीन वाइज जो हमारा व्लॉग होता है वो कितना होता है, और अल्लाह हाफिज़ भी हमारा उसमें नहीं था। ये देखें, ये हल्का फुल्का सा नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने फिर अपना जो है ना वो वोट कास्ट किया था। आप पहले व्लॉग तो देख लिया करें कि कितनी देर का बना हुआ है। भाई सुबह अल्हम्दुलिल्लाह से जी ये सौदा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये प्रेग्नेंट है, समझ लें कि बस इसी महीने में जो है ना इसके बच्चे हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। हम साहब इसको लेके बाहर घुमाने के लिए लेके गई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये समझ लें कि एक सौदा हमने पहले किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से जो है ना हमें 5000 का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन ये हमने जो दूसरा सौदा किया है ना जी, ये वाला वो नर था ये मादा, ये हमने इसलिए ली है कि ये बिल्कुल प्रेगनेंट है, और खुशी की बात यह है की ये दो बच्चे देने वाली है। दो बच्चे, और ये बकरी ली भी मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे गर्म होनी चाहिए। मैं अभी पता है बेगम साहबा से क्या मसला कर रहा था, मैं बेगम साहबा को ये कह रहा था कि बेगम साहबा हम पता है क्या करते हैं, वो जो बैक साइड है ना हमारी, उधर उस जगह को मिट्टी को सीधा करा के ना, कच्चा करा के ना, और जो गली मतलब कि जहाँ से हम कमरे से एंटर होते हैं ना, उस जगह पे जो है ना हम एक दरवाजा लगा देते हैं। उस जगह पे दरवाजा तो लगा लोगे, लेकिन कमरे की खिड़की और दरवाजा खुला वो यूं भी तो कमरे से इस तरफ आके दरवाजा लगा देते हैं ना, ताकि ये कमरे के अंदर भी मतलब कि घूमती रहेंगी। एक दो और भी ले लेते हैं है ना, और इसके भी दो बच्चे हो जाएंगे, तो ये घर में समझ लो एक किस्म की एक तो रौनक हो जाएगी, और दूसरा ये कि हमारा ये जो है ना ये थोड़ा बहुत बिजनेस भी, साइड बिजनेस ये भी हो जाए। बच्चे भी खुश हुए थे, बच्चे तो इतने एक्साइटेड है जी कि उस दिन बकरा आया तो यही कह रहे थे कि ये जो है ना सेल करने लगे, वो हमने सेल किया, लेकिन इसको देख के तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा बच्चे खुश हैं। अक्सर तो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक बात बताऊं मजे की, एक मजे की बात, वहां तक जब थी ना तो रोती हुई आ रही थी, यहाँ पर आई है ना जब देखा है कैमरा खुल गया तो फिर एकदम से सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रुपए कौन मारे इस को, क्यों रोती हम दिया में? टीवी नहीं रहना, बस आज दादी छुट्टी है, कल परसों स्कूल है। कल नहीं परसों, पीर वाले दिन से। परसों तो संडे है, कल संडे है। हाँ कल संडे है, आज सैटरडे है। वैसे मेरे ख्याल में आज से स्कूल खुल गया, नहीं नहीं आज नहीं, आज से पीर से खुल गया। हाँ, पीर से। आए हाय दो छुट्टियां बाकी रह गए ना। बकरी के हिंदी ओ आख दी मेरी, तू आख दी मेरी। अच्छा इन लोगों ने पता क्या करना है, जब बकरी बच्चे देगी ना तो इन लोगों ने बकरी के बच्चों के नाम भी रख देने, जैसे उनके रखे हुए थे बिल्लियों के, कल्लो पल्लो शल्लो है ना। बकरी के गले में भी कंघी डाली। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये पीछे से बंदी बंधाई हुई आई है, देखे ये पता नहीं क्यों इसके गले में डाली हुई है, किस वजह से? अब यह नजर की वजह से। अच्छा इसके गले में रस्सी नहीं डालो, समझ आ गई ना? रस्सी से ना ये फिर इनकी जो है ना ग्रोथ नहीं होती, रस्सी इसके गले से निकाल दो बिल्कुल। माशाल्लाह आपको पता है कि ये दूसरे में लेकिन जिनके पास ये थी ना उन लोगों ने इसकी सही से केयर नहीं की ना, देखे ना थोड़ी सी वीक है, कमजोर है, तो हम जो है ना इसको। और ये दूसरा बार बच्चे दे रही है? हाँ दूसरी दफा। हाँ दूसरी दफा, पहली दफा भी इसने जो है ना जी दो बच्चे दिए थे, और इस दफा भी उम्मीद तो काफी है कि दो बच्चे ही देगी इंशाल्लाह, नसीब अपना अपना। हाँ जी, हाँ पिछली दफा इसने दिया था एक ले ली और एक ले ला। इस दफा आदि पता क्या करती, अल्लाह करे ही दफा दो ही ले ले दे दे। चलें जी, बस तकरीबन महीना है इसको, इसी महीने के लास्ट तक जो है ना ये हो जाएगी नहीं नहीं इसी महीने में। अल्लाह करे ये दो बच्चे देवे, एक ले ली एक ले ला, क्योंकि ले ली तो बदती है ना, ले ली का ना देसन ले ला ले ला बेचते वाला एक ले ली गन। हाँ तुम्हारे बच्चे जो बिल्लियों के दीवाने हैं जब छोटे छोटे, इनके बच्चे तुम्हें पता है कि कितनी शरारतें करते हैं पूरे घर में, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ये एक भी नहीं देने देंगी। बिल्ली डर के भाग गई, चलो बिल्लियों से भी हमारी आज जान छुटी हुई है, बिल्लियां इधर आ ही नहीं रही है डर के मारे, कोई इधर भाग गई है कोई इधर भाग गई है, इसको देख के बैठे बिठाए बेगम साहबा की आप चलाकियां चेक करें। अब पता है क्या कह रही हैं, ये वाली बकरी मेरी है, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, लाओ दो किधर है पैसे दे दो। सीजन तो लगने दो मेरा। अब सीजन कौन सा लगता है अभी तुम्हारा? गर्मी आ गई ना, बोतलों का सीजन लगेगा ना। अच्छा मैंने जो उधर कैश पेमेंट किए वो आस्ता आस्ता दूंगी ना। ये थोड़ी सौदा है, वैसे
फिर तो ऐसा होगा ना, वैसे भी ठीक है, मैंने जितने की ली है ना, वैसे भी मैं आपने मेरे पैसे देने ना, कौन से पैसे देने ना, हर वक्त ही तुम्हारा कर्जा, मैं हर वक्त ही तुम्हारा कर्जा, ये वॉशरूम है अवैस भाई का, इस बात का, इस बात के अवैश भाई का, देखने वाले भी यही सोचते होंगे कि पता नहीं ये दोनों कैसे मियां बीवी हैं कि एक दूसरे के कर्जदार ही रहते हैं। अवैश भाई गवाह इस बात के, अवैश भाई हमारे साथ में थे, ये वॉशरूम का सामान मैंने, ये तो फिर जबरदस्ती बकरी छीन ली ना तुमने मुझसे, नहीं जबरदस्ती नहीं छीनी, ये बकरी मैंने पहले, फैसला आप सब ने भी जी करना है, ये तो जबरदस्ती छीनी गई है, बकरी मेरी, बच्चे भी मेरे इसके, वो क्या कहते हैं कि गांव बसा नहीं और डाकू पहले आ गए, बकरी मैंने ली है, बच्चे आने से पहले कब्जा किसी और ने कर लिया, वाह जी वाह। अच्छा जवाहर साहब क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो सलाम हो जाए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जवाहर साहब कह रहे हैं कल ये इतना बड़ा शलजम लेके खा रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि ये कहाँ से ले गया, और बिल्कुल ताजा पत्तों के साथ इसने बताया कि इधर जो है ना पूरा खेत लगा हुआ है, सिर्फ आप लोगों की कमी है चोरी करने की, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो है ना शलजम और गोश्त बनाओ और मजा आ जाएगा, चिकन मैं लेके आ जाता हूँ, सबसे पहले शलजम तोड़ लेते हैं, तुम शलजम का काम वगैरह कर लेना, मैं चिकन लेके आ जाऊंगा, बैठ के आराम से एक देसी रेसिपी भी बन जाएगी, शलजम और गोश्त की ताजा सब्जी है, ताजा सब्जी के मजे ही कुछ अलग है, इधर ही बना लेंगे इंशाल्लाह देसी किचन में, चले शलजम तोड़ के आए। अबिया ये वही साग है, हाँ जो दो तीन दफा हमने हंडिया भी पकाई थी यहाँ से ना, ये वही वाला है माशाल्लाह, हाँ ये तो बड़े जबरदस्त बन रहे हैं, इसके साथ फिर वो असों का होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त बन रहा है। अच्छा जी शलजम जो है ना वो उस घर की बैक साइड पे लगे हुए, उनसे चल के इजाजत लेते हैं, पूछते हैं, वैसे मना तो नहीं करेंगे, वो सामने बैठी हुई, मैं उससे इजाजत लेना अच्छी बात है, हाँ, वो सामने बैठी हुई, हाँ। माशाल्लाह जी गांव के अपने ही रंग हैं, सुभान अल्लाह, और बिल्कुल गरम हमारा जो ट्यूबवेल प्रोजेक्ट है ना वो अभी सेम है, इतना ही पानी होगा उसका भी इंशाल्लाह, और क्योंकि ये जो मोटर लगी हुई है ना सेम जो हमारी मोटर है ना ये वही लगी हुई है, तो मैं इधर इसको भी देख रहा था पानी की एवरेज को ना, माशाल्लाह, और उधर देखें पूरा खाला भरा हुआ है सारा। आ गए जी हम शलजम के खेत में, जिनके हैं उनको साथ लेके आए, उनको आइडिया होगा कि किस तरफ है, इधर इधर सारे लगे हुए, इधर होंगे, इन्होंने भी वैसे ही किया हुआ है राबिया, जैसे मामू वालों ने किया हुआ है ना, हाँ इसके अंदर हैं सारे, अब इन्हीं को आइडिया होगा कि कौन सा पत्ता है, मुझे तो नजर नहीं आ रहे, इधर मैं तुम्हें कह रहा था उस दिन की आ जाओ इधर ही टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं, देखो कैसी जगह है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान, जवाब अंदर नहीं जाना वो खुद ही ढूंढ के देंगे, मतलब दाफ रखो सारी बरसीन, देख 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 सुभान अल्लाह, ये देखो राबिया राबिया ढूंढ के आ गया, देखें जी ये बाथू, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, ढूंढ रहा हूँ कोई इक्का दुक्का मिल तो रहे हैं, कह रहे हैं कि कल हमने सारे तोड़ लिए थे, बड़े बड़े थे मोटे मोटे, खैर हमारी सब्जी के लिए तो बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, आओ माशाल्लाह ये उठा लो ऐसे ही, सुभान अल्लाह, ये जी हमारी सब्जी तो बन जाएगी, ये बकरी को खिला देंगे हम अपनी, हाँ ये पान बकरी को खवाते हैं अपने, ध्यान से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलते हैं जी घर, और इसको गांव देहात में कैसे पकाया जाता है ये भी आप सबके साथ शेयर करेंगे, चलो मैं इतनी देर में भाग के जाके ना वो लेके आ जाता हूँ चिकन, ठीक है ना, हाँ मोटरसाइकिल काट, हाँ अब इनको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे जी, हाथ के हाथ वॉश ही कर ले, हाँ
वैसे एक फायदा हमें हुआ है बकरी लेने का, क्योंकि पत्ते पहले जाया हो जाते थे, अब वो जाया हो रहे अभी भी। हमारे यहाँ का यही तो, और जब हमारे घर का ट्यूबवेल लग गया तो फिर हमारे गांव का यही तो फायदा है कि आप कहीं भी चले जाओ सब्जी तोड़ने के लिए मना नहीं करेंगे, ताज़ा ताज़ा सब्जी होती है। सारी सब्जियों की फ्राई अब एक दफा और पानी से दे दो। ओके हाँ। ये दुकान से जो नए नोट है ना वो निकाल के अलग अलग किए जा रहे हैं, पहले भी इसने जमा किए हुए हैं। पहले कितने जमा किए हुए हैं राबिया? 300-400 रुपए हैं। ये असल में 2-3 शादी है ना, ये सारी उन्हीं की तैयारी हो रही। ऐसा है ना, बच्चे मांगते हैं ना शादियों पे पैसे। अभी पता है क्या कह रही थी कि तेरे वास्ते चार अखां वाला, मेरे को तू पैसे दे दे, मतलब कहने का यह था कि तुम्हारे लिए रख रही हूँ अलग, फिर तू मुझे पैसे दे देना तो फिर जो है ना मैं तुम्हें। हालांकि मेरे अगर रखे हुए थे तो वो नहीं, वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। देखे जी समझदार कितनी है, वो खत्म हो गए। शादियों पे खत्म नहीं हुए, कराची में भी खत्म हो गए, इरम इमरान के यहाँ शादी पे गए हुए थे वहाँ भी खत्म हो गए, फिर यहाँ। अच्छा जी प्लीज बैड कमेंट्स मत कीजिएगा कि आज है ना इधर सारा ये फैला हुआ है, क्योंकि आज हमारे घर में नई नई मेहमान है ना, बकरी मतलब कि नया नया आया हुआ है ना, तो फिर आपको पता है कि बच्चे हों या कौन हो ज्यादा केयर दे, एक दो दिन के बाद फिर इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शलजम गोश्त खाना है जी? हाँ माशाल्लाह। अच्छा जी ये देखें स्पेशल किस्म के जो है ना हमने अभी मंगाए हैं प्याले, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, क्योंकि मेरे ख्याल में 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो प्याला जो है ना उसके अंदर टूटा हुआ था, तो कुछ कमेंट्स थे कि अहमद भाई आप जो है ना टूटे हुए प्याले में चाय पी रहे थे, तो खैर जी फिर मैंने वो सारे वेस्ट करा दिए, उसके बाद फिर ये ऑर्डर दिया हुआ था, तो अभी जो है ना ये दे के गया 13 प्याली माशाल्लाह। अभी भी फिर भी सही रेट में मिल गया राबिया, 30 रुपए का अभी मिला है, वरना ये तो मैं तो समझ रहा था कि जैसे हालात हैं ये 40-50 रुपए का मिलेगा। नहीं, सही मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये सारा कबाड़ वगैरह भी निकल रहा है, ये भी हमने सोचा कि उसको दे देंगे, चलो उसका कुछ बन जाएगा। वैसे तो मैं प्यालों के पैसे लेके बैठी हूं, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे लिए हम ये ताज़ा शलजम भी तोड़ के लाए हैं और साथ में ये भी है, पत्ते भी हैं, खा लो। मोगी है, मोगी मोगी कहते हैं जी जिसके सींग ना हो। हाँ ये मोगी ले लिए, खाओ। नहीं पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ माशाल्लाह, सुबह इतना तो ये सुकड़ी भी थी। हाँ। और अभी देख अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी शलजम डाल दिए गए इसके अंदर, उबलने के लिए छोड़ दिया जाएगा, टाइम गुजरने का यकीन करें पता भी नहीं चलता। पिछले साल मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मेरे भतीजे की शादी हो रही थी, वीडियो वगैरह बनाई थी, बड़ा ही धूमधड़ाम था ये वो, और आज जो है माशाल्लाह उसके बेटे की छठी है। हाँ। हमें भी कार्ड दे के गए, अभी उस तरफ भी जाना तकरीबन कितने बजे, 4 बजे का है ना? हाँ, चार बजे का है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में छठी उन्होंने जल्दी करनी थी, सीजर से हुआ ना, बड़े सीजर से हुआ बेटा, तो जच्चा की तबीयत सही नहीं थी तो इन्होंने इंतजार किया कि जच्चा की तबीयत जैसे अच्छी होती है तो फिर हम बच्चे की छठी रखेंगे, 1.25 महीने बाद इन्होंने छठी रखी, वैसे छोटी छठी इन्होंने कर दी थी हल्की फुल्की। अच्छा अच्छा, मतलब नाम वगैरह पहले रख दिया था, आज मतलब के धूम धड़के वाला जो हिसाब। हाँ धूम धड़के वाली यानी के वो सब। हाँ जी माशाल्लाह। सब्जी वाला आया हुआ है, हम भी बाहर निकले थे सब्जी खरीदने के लिए, वो देखें विलेज वाले सब्जी भी खरीद रहे हैं, उससे हमने भी खरीदी है, हमने खरीदी है जी गाजरें और मिर्चें, गाजरों का जूस वगैरह पीना है और साथ में मिर्चें भी डालेंगे थोड़ी। ये आ गई जी गाजरें और ये आ गई मिर्चें, बकरी गाजरें खाओगी? ये लो खाओ। हाँ तेरे तो आज मजे लग गए। अच्छा जी अभी सब ना आप सबके साथ ना एक इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो शेयर करूँ, कल हमने जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें काफ़ी सारे हमें ऐसे कमेंट्स देखने को मिले कि आप लोगों ने अपना हक अदा नहीं किया, तो रूटीन वाइज जो हमारा व्लॉग होता है वो कितना होता है, और अल्लाह हाफिज़ भी हमारा उसमें नहीं था। हाँ तो हम लोगों ने वोट जो है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह से कास्ट किया था, तकरीबन निशान अभी तक भी होंगे हमारे अंगूठों पे, ये देखें ये हल्का फुल्का सा नज़र आ रहा है ये।
उसके बाद हमने फिर अपना जो है ना वो वोट कास्ट किया था। आप पहले व्लॉग तो देख लिया करें कि कितनी देर का बना हुआ है, कितनी देर का नहीं है, क्या है, बाकी हमने ये डिस्कस करना पॉसिबल नहीं समझा कि हमने किसको वोट जो है ना वो कास्ट किया। रात काफी कमेंट देखने को मिले कि फिर जब मुल्क में महंगाई आएगी तो आप कहने के हकदार नहीं होंगे कि मुल्क में हाय महंगाई आपने अपना हक अदा नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप जो है ना, मैं आप सबको इतना भी क्लियरली बताता चलूं कि हमने किस पार्टी को जो है ना वो वोट दिया था। हमने इंडिपेंडेंस को वोट दिया था क्योंकि बाकी सब हमारे आजमाए हुए हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है अल्लाह की जात के सिवा। तो जो इंडिपेंडेंस हमारे इलाके का था ना जी, हमने उसको वोट कास्ट किया था। और माशाल्लाह मस्जिद के फूल भी सुभान अल्लाह चादर लगाए थे, ये भी हुए हैं कुछ दो चार बूटे माशाल्लाह से। ये देखें जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपकी फुफियाँ कह रही होती हैं कि अब जवाद की अजान नहीं सुनी हमने। इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह फुफियों, ज़रूर अजान दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये भी देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलो बच्चों चलो आ जाओ, शाबाश सुभान अल्लाह। नमाज का टाइम हो गया था जी, अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज पढ़ी है जहर की। और अफसोस होता है उन कमेंट्स के ऊपर भी, जैसे अब कल वाली वीडियो पे थे और उन कमेंट्स के ऊपर की जो कह रहे होते हैं कि आपको कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। तो देखें जी, पहले भी कह चुका हूँ कि नमाज एक ऐसी चीज़ है, इबादत एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान और अल्लाह का जो है ना पर्सनल मामला होता है। तो दिखा के अब एक दो बंदे को तो नहीं दिखाना, मैं ये तो नहीं कि नमाज पढ़ता रहूँ और कहता रहूँ कि मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ तो फिर तो मेरी इबादत करने का फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हाइड रखी जाती हैं, अगर हम हाइड ना रखें क्लियर करें तो फिर एतराज़ होता है, अगर एतराज़ अगर क्लियर करते हैं तो फिर एतराज़ होता है कि भाई अगर हम मिसाल के तौर पर नमाज की वीडियो दिखाते हैं कि भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए, आप नमाज की वीडियो दिखा रहे हो। अफसोस होता है ऐसे कमेंट्स के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं घर आया था थप थप शुरू है रोटी दी। माशाल्लाह गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, ओए होए 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 शलजम गोश्त, ओए होए सुभान अल्लाह। अरे आज मुझे मिल गई है मलीर वाली मिर्च। मलीर वाली मिर्च कहाँ से आ गई यहाँ पर? मलीर वाली मिर्चों से क्या मतलब? कराची में यही चीज होती है ना, यही वाली मिर्च होती है ना कराची में, यही तो होती है। अब मलीर वाली जरूरी तो नहीं है कि अब यहाँ मलीर से आ रही है यहीं पर मेरे जी, अपने इलाके की है। सब्जी वाला भी हैरान था, कहने लगा ये मलीर वाली कौन सी मलीर वाली। हाँ वो कह रहे मलीर वाली कौन सी मिर्ची, यहाँ कौन सा मलीर आ रही है। अच्छा बेगम साहब ये बनाया आपने कैसे, जरा ये प्रोसेस जरा आप बताएं। ये मैंने पहले गोंगलू उबाले। क्या क्या उबाले? गोंगलू है, गोंगलू सोना जी सरायकी में जी शलजम को कहते हैं गोंगलू, ठीक है ना जी। फिर हाँ जी, पहले मैंने गोंगलू उबाले हैं बॉईल करके, फिर मैंने इसके इस मदद से ना ये देखें जी दबाए हैं गोंगलू। ये मतलब कि हाँ, मैं असल में गया था मैश कर लिया, मैं नमाज पे चला गया था। हाँ जी मैं सब नमाज पे चले गए थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूं और उसके बाद फिर मुझे जाना छठी पर। मैं भी यही डिस्कस कर रहा था बहन भाइयों के साथ कि मैंने कहा अब देखे ना जी, काफी सारे ऐसे भी जो है ना हमें कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को कभी आपने नमाज की वीडियो नहीं बना के दिखाई। नमाज की कौन बनाता? तो मैं यही कह रहा था कि अब हर टाइम बंदा ये है कि भाई दिखाता रहे कि भाई हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। भाई हम इबादत खास तौर पे एक ऐसी चीज है जो नहीं दिखानी, जो के खास तौर पे अल्लाह पाक ने भी मना किया है। हाँ जी। वो तो फिर हमारा दिखावा हो जाएगा। हाँ जी। वो तो फिर फायदा ही नहीं है, हम भले लाख सजदे करें कुछ भी करें। हम काबे में भी गए थे, मक्का मदीना भी गए, मदीने में भी गए और हरम में भी गए, हमने वहाँ पे वीडियो सब बनाई लेकिन हमने नमाज की वीडियो खास तौर पे नहीं, खास तौर पे हमने नमाज उस वक्त ही मैंने माजरत कर दी। अब वैसे कल वाली वीडियो को लेके बैठ जाओ ना तुम, लंबा चौड़ा ही नहीं जाओ। अब वो वीडियो हमारी पूरी है नहीं, 15-16 मिनट की, और राबिया की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी कल, तो हम व्लॉग कुछ जो है ना इस वजह से कल तो हमने बिल्कुल शूट किया ही नहीं है। नहीं कल बिल्कुल नहीं बना व्लॉग, कल बिल्कुल भी नहीं बना। परसों वाला व्लॉग जो आपने, आज माशाल्लाह से राबिया के देखे ना थोड़ी सी एनर्जी है और अल्हम्दुलिल्लाह से घर के काम काज संभाले हुए हैं, तो आप सबके सामने शलजम गए तोड़े धोया पोया लेके आए, आप सबके साथ गप्पे चल रही हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से, और गप्पे लगाते लगाते अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सालन भी हो गया जी तैयार। छुरी रख जाएगी क्यों ते इन की थी तो बेटी नहीं थी। मैंने मिर्चा काटी ना, अभी रह गई सिर्फ इसमें धनिये की कमी, हरा धनिये की, वो भी लेकर आते हैं तोड़कर। ओए होए होए सब चीजें तो तोड़ के सुभान अल्लाह। चमचा ऊपर, चमचा जरा ऊपर निकालो तो जरा। अब इसमें से ना आग खत्म कर दूंगी, सिर्फ कोयले छोड़ दूंगी। माशाल्लाह कोयलों पर पकेगी।
बकरी मैंने बांध दी है, तो ये तीनों इधर इस जगह पर नजर आ रहे हैं। अभी बकरी खोल देता हूँ तो ये इधर नजर भी नहीं आएंगे, भाग के चले जाएंगे। हाँ क्या भरनी बैठी है, हाँ वालेकुम सलाम, क्या भरनी बैठी है। ये जी मेरे कंप्यूटर, ओल्ड कंप्यूटर का मदरबोर्ड, ये सारा, ये जवाद साहब के कारनामे हैं जी, इसमें से पंखे वगैरह निकाल लिए होंगे। और ये वाला है जी इसका प्रोसेसर, यहाँ पर पड़ा होता है ये वाला प्रोसेसर है। एक कम दिशा है मतानी को भी जा रहे हैं, ठीक है ना, ये प्रोसेसर काम के होते हैं बस। तैयार है? हाँ जी, माशाल्लाह। मैंने देखे आग भी सारे निकाल दिए, बस कोयलों पे रख दिए, माशाल्लाह। ये हल्के हल्के आग से पकता रहेगा। ये था जी हमारा देसी किस्म का शलजम और मैं और गोश्त, धनिया तोड़ के ले आती हूँ। धनिया तोड़ के ले आओ, इसको तड़का वड़का लगाओ, जो कुछ भी करना है चलें जी। और इस कढ़ाई की तो एक जबरदस्त खासियत यही है ना कि देखें आग वगैरह सारी निकाल दिया ना इसके नीचे से ना। अच्छा, मेरी एक बहन काफी दिन से पूछ रही है कि रबिया कच्चे बर्तन कैसे इस्तेमाल होते हैं, तो यकीन करें मुझे भी नहीं पता, बस जैसे आते हैं मैं भी वैसे चढ़ा देती हूँ। कितने दफा? हाँ, हम दो दिन तकरीबन पानी में भिगो के रखते हैं, उसके बाद भी टूट जाते हैं। कोई टूट जाता है, कोई नहीं टूटता। आप देखे ना ये चल रही है, ये कढ़ाई मेरी सिर्फ बच गई है, बाकी हांडिया वगैरह मेरी सारी टूट गई है। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है ना जी कि इसका जो है ना, इसको आप उसमें जो है ना पानी में भिगो के रखें सबसे पहले, उसके बाद फिर इसको सरसों का तेल लगाएं, फिर उसके बाद जाके जो है ना इसको सब कुछ किया लेकिन नहीं बची, ने फिर भी टूट गई है। चलो चलें जी, आप खाएंगे खाना दोपहर का, शाम का कितने बजे? अभी आपको दिखा रहा हूँ, 3 बजे तो बेगम साहब अभी जाएंगी इधर मेरे भतीजे के बेटे की, यानी कि मेरा पोता उसकी उसमें छठी में, इंशाल्लाह आप सबसे मिलते हैं कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा कमेंट करते जाइएगा। मिलते हैं आप सबसे कल, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।